नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 3 हिंदी में अगर अपने आदर्श बालक विषय बात की चर्चा करी थी, वे अपने एना स्वाध्याय विषय आज जोईशु। आदर्श बार उत्कृष्ट बार स्वाध्याय तमारे तमारे बुक खोलवानी छे अने अंदर स्वाध्याय जे रीते जवाबोनी चर्चा थाय ए रीते तमारे अंदर टिक करवा छे, जवाबो लखवाना छे। पेज नंबर 47 प्रश्न नंबर 1, सही विचार के सामने राइट का चिन्ह, सही का चिन्ह और गलत विचार के सामने रॉन्ग यानी गलत का चिन्ह चौकड़ी करो। खराब वाक्य की सामने राइट की निशानी अने खोटा वाक्य की सामने चौकड़ी करवानी छे। नंबर 1, पवन के तार चमकीले सफेद हैं। पवन के दांत चमकीले सफेद है तो शू आवशे? साचो वाक्य छे, तो आपणे एनी अंदर खराबी निशानी करीशुं। नंबर 2, पवन सुबह देर से उठता है। पवन सुबह देर से उठता है तो आप खोटू वाक्य छे, साचू वाक्य छे। पवन सुबह जल्दी उठता है, पवन सुबह जल्दी उठता है। अहीं जे वाक्य आपेलू छे पवन सुबह देर से उठता है तो ये वाक्य खोटू छे, रॉन्ग छे, એટલે આપણે ખોટાની નિશાની કરીશું। साचो वाक्य छे पवन सुबह जल्दी उठता है। नंबर 3, पवन सबसे मिलजुल कर रहता है। पवन सबसे मिलजुल कर रहता है तो ये राइट वाक्य छे, साचो वाक्य छे, तो आपने खरा नहीं निशानी करी।
पवन सबसे मिलजुल कर रहता है। नंबर चार, पवन सबको भला लगता है, ये वाक्य राइट से तो आप खरा नहीं निशान करेंगे, पवन सबको भला लगता है। पवन को हमेशा झूठ बोलने की आदत है, ये वाक्य रॉन्ग, खोटू छे। अब ये आपका प्रश्न नंबर एक, सही या गलत, ये प्रश्न यहाँ पूर्ण थाय छे। एना पछी प्रश्न नंबर बे, नीचे लिखे विधारो से गलत शब्द काढो, नीचे लखेला वाक्य माथी खोटो शब्द छे कि ना। तो जो ये प्रश्न नंबर बे, पवन एक अच्छा या बुरा लड़का है, साथो जवाब छे पवन पाठशाला समय पर जाता है, देर से शब्द आपने छे कि ना कुछ। तो पवन पाठशाला समय पर जाता है, नंबर त्रण, पवन सुबह जल्दी देर से उठता है, पवन सुबह जल्दी या देर से उठता है।
पवन सुबह जल्दी या देर से उठता है? तो पवन सुबह जल्दी उठता है, तो देर से उठकर आपने छेड़ी नाकी सुन। साचु वाक्य में से पवन सुबह जल्दी उठता है। नंबर चार, पवन स्वच्छ या गंदे कपड़े पहनता है? पवन स्वच्छ या गंदे कपड़े पहनता है, तो साचु वाक्य आपसे पवन स्वच्छ कपड़े पहनता है तो गंदे के आपने छेड़ी नाकी सुन। तो पवन